नमस्कार आमर स्वतंत्र स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन को स्वागत करुछी मुनिमेदिता दर्शबंधु रोग अच्छी माने तार प्रतिकार मध्य अच्छी हेले रोग को सठिक समय चिन्हिबा मध्य जरूरी आउ जदि सठिक समय आम रोग को चिन्ह बुझी जाने तार चिकित्सा कराई पारिबा ताहले आम यहाँ कंट्रोल को मध्य आनी पारिबा तेबे खास सेथिपाई आपण को जेकोनोसी रोग समद्रे सचेतन कराइबा पई आमर ही स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन दर्शबंधु खरा दिने अत्यधिक तापमात्रा एवं गुळगुळी चोकु सर्बन सन्त्यान घिमिरी चर्मरे नाली नाली फळिजिबा किंबा देहरे झाळ बाहरिबा चोकु दुर्गंध बाहरिबा त्वचा कुंडे हेबा जादू भळी फळिजिबा किंबा आलर्जी भळी समस्या हेबार आशंका देखा देथाय तेणु खास करि खरा दिने त्वचार जत्न नेबा निहांती जरूरी तेबे खरा दिने किपरि नेबे त्वचार जत्न त्वचारे कोन कोन सबु समस्या देखा देथाय आउ एहार उपचार कोन ए सबु को नै आलोचना करिबा एने आजि आमको गुरुत्वपूर्ण परामर्श देबा पई आम सो स्टुडियो रे उपस्थित अछन्ति विशिष्ट डर्माटोलोजी डॉक्टर प्रियदर्शन साहू जे के केयर हॉस्पिटल कार्यरत मैडम स्वागत कर प्रेस्क्रिप्शन को मैडम जमी आज आम टॉपिक रखिंट आप जानते हैं विशेषकर खरा प्रचुर मात्रा रे खरा हो देखते दसटा बाजला बेलू को बाहर को बाहर समय मुस्किल होती मैडम प्रथम जानवाक चाहिए जेहेतु स्किन गोटे गुरुत्वपूर्ण पार्ट समस्ते पु हूँ झील हूँ विशेषकर स्किन प्रति अधिक गुरुत्व दिखती फास्ट क्वेश्चन आपको खरा दिन स्किन में कौन सब प्रोब्लेम देखा जाए खरा दिने आमर सबुठ इम्पोर्टेंट हूँ जो मान को बाहर को बेसी जीवाक पड़ुछ जमी आप कहले सका आठटा दस टू आरंभ कर दिन चारटा भितर जो मैंने बाहर जावासा कर सबुठ कमन जिनस टैनिंग मैंने आपंक स्किन टा कला पड़जा प्राय आप जो एक्सपोज एरिया गुड़ा रोच मुह बेक हाथ एगुड़ा प्राय आम कला पड़ जाए तेणु लोक व्यस्त हो पड़ती सेकेंड हूँ सनबर्न लोकर छोट छोट रैशेज हुए जो मर बेसी एलर्जी सेनसीटिविटी अच्छी आपं सनलाइट को बेसी भी रैशेज हो पाए बहुत बर्निंग सेंसेशन हुए कुंडे हुए लाल लाल ही फली जाए मुहरे गालरे बेकरे हाथरे पिठीरे जो जो जगह गुड़ा खराब पड़ी ता छड़ा बहुत एमती प्रकार एक्जिमा अच्छी जोड़ा गरम रु झाल रु बहुत बढ़ी जाए लोक बहुत जोर कुंडे हूँ बहुत कष्ट पाती आपंकर फंगल इनफेक्शन गुड़ा जोड़ा आप झाल जगार बेस हुए से गुड़ा बहुत बढ़ी जाए ये समय विशेषकर मैडम आम जमी कथा हो खरा को जो मैंने जाऊँगी जार डेली आमको जमी सकाल अफिस् आसवाक पड़े आमको तो खरार आसवाक निश्चय पड़े विशेषकर झील मैंने स्किन प्रति अधिक गुरुत्व दिखती जो खरा को जाऊँ के जिन प्रति विशेषकर ध्यान देवा दरकार आमर खरा बाजिले जेहेतु प्रॉब्लम होउची तेणु आमर काम होउची फिजिकल बा कोनसी केमिकल बैरियर द्वारा खरा बा तार जो सनलाइट रो जो यूवी रेडिएशन टा आम देह रे न बाजु तेणु तापई आपणकर आजकल बहुत प्रकार जिनस मिलुची जेमती आपण बड़ बड़ सनग्लासेस पिंधिले हैट बा कैप पिंधिले ग्लोव्स पिंधिले एमती ड्रेस पिंधिले क्लोथिंग्स गुड़ा जोटा आपण देह को प्राय घोड़ेकी रखिला ता छड़ा जो मन बहुत फोटो सेनसीटिविटी अच्छे आप भल ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज करेंगे सनस्क्रीन गुड़ा डेली यूज करेंगे एमती नुहे केबे केबे यूज करिवे डेली सब दिन बाहर यार 15 मिनट पूर्वरो ताकु जेते एक्सपोज्ड एरिया लगे के जिबे अच्छा निश्चय मैडम जो कथा आपण कहले सनस्क्रीन लोशन समस्त व्यवहार करबा दरकार आ विशेष करी ए कथा मध्ये आपण कहतले जे ताकु छाडी देबानी जदी यूज करछनी प्रॉपर्ली यूज करबा कि आमे नॉर्मली साधारणत आपण देखंतो सोशल मीडिया रे जो दिनस देखबा कमे छ विशेष करी आमे YouTube रे ए सब वीडियो पाउछन जोडा को आमे यूज करछन ताकु तो सेगुडी को केते हार्मफुल हे पारे नॉर्मल मार्केट रु जो अननेसेसरली आमे किणी आणुछनती लगौछनती भाबुछन जे आमे टिके सफा हे जिबा गोरा हे जिबा स्किन को प्रोटेक्ट करबा जे ये केते हार्मफुल हे पारे स्किन पाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप पचारे जे जिनस तो बहुत मिलूँ एवं नेचुरली आम मार्केटिंग स्ट्राटेजीज आम तो सब जिन पॉजिटिव साइड टा ही जानूचे मीडिया बट आम समस्त सचेतन रहा उचित जे प्रति जिनसर निजर गोटे केमिकल कंपोजिशन अच्छी तार फायदा अच्छी किसी डिसएडवांटेज अच्छी तेणु आमर स्किन टाइप टा अनुसार आमको कौटा सुट करा जानवा समस्त पक्षर संभव नुहे तेणु आपड़ी आप स्किन को प्रकृत प्रोटेक्ट करा चाहते आप प्रकार सनस्क्रीन यूज करेंगे से डिपेंड कर स्किन ऑयली रोची कि ड्राई रोची केते मात्रा रे आपको स्किन हार्म हो यूवी रेडिएशन सेम टाइप ऑफ सनलाइट एक्सपोजर प्रति मनुष्य को समान टैनिंग करे ना किए बेसी कला पड़ जाती किए कला पड़ती कहार कहार अल्प अल्प कुंडे रैश हुए कहार बहुत बढ़ी जाए तो से अनुसार आपको दरकार कि केते सन प्रोटेक्शन फैक्टर थी सनस्क्रीन आप चूज करेंगे जमी एसपीएफ जो कहूँ गोटे कमन टर्म एसपीएफ आप 30 अच्छी 50 अच्छी कहार कौटा दरकार प्लस आपंकर किसी सनस्क्रीन आपंकर ऑयली थी
तो सेटा पुनी आपन को जदी बेसी ऑयली स्किन रहूची जो मन कर पिंपल्स प्रॉब्लम रहूची सेरा से माने सेई टाइप रे सनस्क्रीन लगेबेनी वाटर बेस्ड बा एक्वा जेल बेस्ड जोडा सनस्क्रीन रहूची सेगुडा आपन को वाटर बेस्ड थिबा जगुरु ऑयली करिवनी स्किन त सेटा आपन को ऑयली स्किन पे दरकार मैडम जो कथा आपन को टिक आउट केबे मैडम जो कथा आपन कहले कि जो ऑयली स्किन एवं विशेष करी ड्राई स्किन जो मानन कर जो मानन कर ऑयली स्किन से माने हमें नॉर्मल अनेक जामे मध्ये जानि नथा जो प्रोडक्ट हमें किणंती एसपीएफ केते रहबा दरकार सपोज हमें सनस्क्रीन लोशन किणुछंती ऑयली स्किन जणकर रहउची केते एसपीएफ आनले बेटर हबो स्किन पई एक्चुअली एसपीएफ आपणकर जो 25-30 रो एसपीएफ जने नॉर्मल लोक पई ठीक अछि किन जेमती मु कहले जो मानकर बहुत बेसी सन सेंसिटिविटी रहउची प्रति वर्ष से मानकर टैनिंग बहुत होउची बा गालो मुह बेक फेक इत्यादि रे रैश हे जाउची से मानकु 50 प्लस आपणकर एसपीएफ दरकार होउची आ ऑयली एवं ड्राई स्किन पई डिफरेंट कंपोजिशन रो सनस्क्रीन रहे तो सेटा आपण केवल जने स्पेशलिस्ट को देखै कि रेकमेंडेशन थ्रू रे नियंतु कारण मार्केट रे थिबा ये भितरु आपण बाछी पारिबे नाही आपण स्किन पई कोटा सुटेबल हबो बहुत भल कथा मैडम कहले आपण जे जदि भी आपण मार्केट रु को भी प्रोडक्ट भाबुछंती जे ई आम स्किन पई ठीक अछि भाबी कि ताको किणी के आणुछंती व्यवहार करछंती होय तारो साइड इफेक्ट मध्ये आसी पारे तेंनो जे कोनोसी डर्मेटोलॉजिस्ट किमा स्किन स्पेशलिस्ट को आपण परामर्श करी निहांती भाबरे ताको व्यवहार करंतु आपणको स्किन पई मध्ये उपयुक्त हेबो मैडम आउ गुटे कथा जे विशेष करी आमे जे तो आलोचना करछंती स्किन उपरे जे आम साधारण तो देखुंटे जदि खरारे जो जाऊँच जो पार्ट गुड़िक देखा जाऊँगी बाहर को सहीगुड़ सन टैन पड़ जाए रिड्यूस करने किसी माध्यम अच्छी आम कमी जल्दी से मेकअप हो पार आज्ञा सन टैन जोटा सब बेस्ट होची जमती कहते प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तेणु आप बेस्ट होची आपड़ जब जानते आपंकर टैनिंग होची प्रति थर खरा दिन हो तेणु बेस्ट होची आपड़ पूरा डायरेक्ट खरा जो समय बहुत जोर खरा हो समय अवॉइड करें बाहर को जावा छता नहीं जातु और जिते हो पार से प्रकार प्रोटेक्टिव क्लोदिंग पिंधतु निश्चित भाव में टैन जोटा हो जाए निश्चित भाव में औषध अच्छी केमिकल्स अच्छी सब बड़ जिन अच्छी किसीटा टाइम भी पलि जाए एमती नुहे जाए आपंकर जो सन इंड्यूस टैनिंग होगा किसी मस छाड़दे पलि निश्चे कितु से पर्यंत बहुत जन धर्य रही नाचुराली जे लोक व्यस्त हो पड़ो स्किन कलर टा पूरा डिफरेन्ट होगा बडी आउ फेस कलर पूरा डिफरेन्ट हो जाए तेणु बेस्ट होची आपण आगुरु आपणकर जो सन प्रोटेक्शन जिनस जहाँ भी फिजिकल जमी बारियर कहली क्लोदिंग हिसाब से हो कैप हो चश्मा हो नहीं जातु छता नहीं जातु अवॉइड करूँ सका 8-10 भितर बाहर निश्चय मैडम आउ गोटे कथा जानवाक चाहिए मैडम विशेषकर जितेबाला आम खरा को जाऊँच आम समस्ते जानते खरा दिने विशेषकर जलीय अंश कमी जाए देहर तेणु मैडम केते पानी दरकार बॉडी माने केते पानी मिनिमम पीवा दरकार एज अनुसार टिके कहबे केते पानी पीवा दरकार आपणकर एटा बहुत भल जिनटा आपणकर हाइड्रेशन गोटे एत बड़ जिन आपको जो स्किन टोन बा ग्लो जहाँ भी मेंटेन होची हाइड्रेशन उपर बहुत डिपेंड करुची सन रे एक्सपोजर नेचुरली खरा दिने आमर स्वेटिंग हेबा जोगुर एस्पेशली आमर जो प्रकार कंट्री रो क्लाइमेट एथिरे आपणकर बहुत लॉस होची पानी रो तेणु आपण अराउंड 2-3 लीटर्स निहाती पीवा दरकार अवश्य जोटा आपण कहले एज रिलेटेड वाटर रो रिक्वायरमेंट बहुत डिजीजेस रे एवं एज अनुसार डिफरेंट थाए निश्चय किंतु आमे जदि जनरल जणे लोक पई भाबुचे तले 2-3 लीटर्स टा ठीक हबो आ जदि आपनकर अलग किसी प्रॉब्लम रहउची जोथरे आपन वाटर रेस्ट्रिक्शन करा जायची वाटर इनटेक रो ताले सेटा आपे आपनो निजर कंसल्टेंट फिजिशियन को पचारिबे नेंती बहुत भलो कथा मैडम आ गोटे कथा मध्ये खाद्य पेय केमति रहबा दरकार माने विशेष करी खरा दिने माने स्किन पई को सब फ्रूट्स कथा कोंतु या वेजिटेबल्स केउ 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 भली भाबे खाद्य पेय रहबा दरकार सबुठ बेस्ट हूँ आज्ञा आपंकर आम जो सीजन रे जो प्रकार जिनस मिले से गुड़ा निहाती देहपी भल थाए तो एबे जमी आप जो सीजनल फ्रूट्स गुड़ा आसपेशली जोगुड़ा वाटर कंटेंट बहुत थाए से निहाती कंज्यूम करूँ जमी आपंकर तरबुज वाटर मेलन है कुकुम्बर है युवा सब आप बहुत वाटर कंटेन्ट थाए तो सेगुड़ा आपको बहुत हाइड्रेसन दब है आकी आप जेनेल सब प्रकार जो फ्रूट जूस सैट्रस फ्रूट जोड़ा आपंकर लेंबू कमला इत्यादि से गुड़ार रस गुड़ा आपको बहुत बहुत हेल्प करिवो विटामिन सी भी जोगेबो पानी भी जोगेबो जोटा देह को आपनकर प्रोटेक्शन देबो निश्चय फ्रूट्स प्रचुर परिमाण ने खाइबा भी दरकार एमत्र भी हमें जानि छिन स्किन पे सब बहुत भलो वाटरमेलन विशेष कर तरबूज जोटा के खरा दिने मिले एवं ड्रिंक्स कोन रहबा दरकार मैडम हमें कथा हबा किंतु जने कलर जुड़ी छन हम सहित तंग कॉल टी नै जिबा हेलो हेलो दर्शक बंधु आम आज आलोचना करछंती विशेष करी आम स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम माध्यम रे जे खरा दिने स्किन रो केयर केमती नेबे आम सहित सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट अछंती लगातार भाबे प्रियदर्शनी मैडम आमको मध्य उत्तर रखुछंती मैडम आम आलोचना करबा किंतु आम सहित जणे कॉल कॉलर रो दीर्घ समय धरी अपेक्षा करछन कॉल टी नै जिबा हेलो
हेलो हाँ मैडम आज्ञा कहतु कौन प्रश्न रही किए कौले कौट कौले अच्छा मैडम मो मिसेस अंकर से जे मुहर टिके गण बाहर से से दागो उडा केमिति होतिबो मुहरटा केमिति जे ग्लेज करिवो अच्छा ओके निश्चय मैं मैडम को ठार उत्तर मध्य जानिबा को चाहे मैडम से जानिबा को चाहू छन जे पिंपल सेतला तार ब्लैक स्पॉट गुडा को से गुडा रह जाई जे केमिति तांकर कमी म से गुडा आपणकर जो पिंपल्स हुए पिंपल्स पर ब्लैक स्पॉट रहिबाटा निहाती बहुत प्रॉब्लमेटिक लोक मानक एस्पेशली यंग पिला मानक तार कारणटा मु आपन कहि देबाक चाहूची जेतेले पिंपल्स हुए प्रथम प्रथम जेतेले छोटो छोटो खिलो भळे बाहरे सेतेले ताकु जमारु भी हातरे चिपिबे नाही नखरे बहुत पिला माने टेम्पररी रिलीफ एवं फास्ट रिलीफ पई बहुत जण नख मारी ताकु चिपिकी बाहर कर दियंती ता कोन एक्चुअली स्किन टा सेई जागा रे नष्ट होई जाय तो आमर पिगमेंटेशन भी हुए स्कारिंग भी होई जाय तो सेटा टाइम लागिबो जिबा पई किंतु ता पई भी औषध अछि तार प्रोसीडियर्स भी अच्छी केमिकल प्रोसीजर्स भी अच्छी किंतु आप अपने जोने डॉक्टर को देखा करंतु निश्चय तबे मैडम आम जमी कथा होते जे खरा दिने जो कथा आप प्रारंभ कहले जे पिंपल्स हवा विशेषकर फंगल इनफेक्शन हवा ये सब समस्या देखा दे था यार प्रकृति में उपचार कौन मैडम सल्यूशन कौन आपणकर जमी आम कथा सनबर्न तो निहाती गोटे डायरेक्ट इफेक्ट किंतु आमर जो एक्सेस झाड़ बोहेबा जोगुर आमर ये जमी आम इंडिया है ओडिशा जो प्रकार गरम हो प्लस जो मैंने सारा दिन लुगापटा पिंधि बाहर को जीवाक पड़ू परिश्रम कराया पड़ू फिजिकल काम कराया पड़ू तो बहुत स्वेटिंग हो तो यही सब क्षेत्र में जो वार्म और डैम्प एटमॉस्फेयर मिलला से फंगल इन्फेक्शन होगाटा बहुत कमन एवं से गुड़िक आम जदि भलरे लूज क्लोदिंग पिंधा चेष्टा करा जदि हमें जो थंडार रही पार एवं घर को आसला सफा सफी होगा सबुदिन लुगापटा चेंज करवा सेम जिनस रिपीट करवानी एवं डाक्तर देखे अल्प टिके सिम्टम्स कुंडिया फुंडिया है अल्प टिके सिम्टम्स रू ट्रीटमेंट ना पिंपल्स होबार ये हूँ कि आम जो स्वेटिंग हूँ ऑयलीनेस बढ़ी जाऊँच मुहरें यही समय समर सीजन से जो मन पिंपल होबार टेंडेंसी अच्छी निहाती पिंपल्स बहुत बढ़ी भी जाए तो तेणु आप जाना दरकार जो कौ प्रकार क्लींजर आप फेस क्लीन करेंगे एवं तार औषध केमती ने पड़ो कि नहीं कौन क्रीम नेबाक पड़ो टैबलेट नेबाक पड़ो ताको पचारि कि नेबे निश्चय बहुत भल कथा मैडम आमे मध्य कथा वा स्वेटिंग कथा आपण कहतले मु एक्जाक्टली तार उत्तर मध्य जानिबा को चाहिबी जे झाळो बाहरिबा देह पई भल कि नहीं स्किन पई भल कि नहीं ता विषय मध्य आमे आलोचना करबा किंतु आउ जने कलर अछन्दे आमे कॉल दिने जेबा हेलो सर मैडम नमस्कार अगेन नमस्कार मैडम के कहतले कोड कहतले कोन प्रश्न रहै छी पत्ता को कहतले जो मानकर थायरॉइड रहे से मानकर स्किन एस्पेशली मुहरे पिगमेंटेशन हेबाटा जो आखि चारड़ कला कहते गोटे कमन सिम्टम जेहेतु सीटा थायरॉइड रोचे निहाती तार ट्रीटमेंट तो चली बट ये जो मुहरे पिगमेंटेशन होउचे तापे आपण किछि क्रीम्स यूज करिपरिबे एवं सनलाइट रु केमती प्रोटेक्शन नै परिबे किंतु गोटे जिनस होउचे यूजुअली आमर जो गुड़ा पिगमेंट रिमूवल क्रीम्स गुड़ा था ताकु आखि पाखरे लखे लगेबाटा क्षतिकारक हो पारे तेणु आखि पाखरे देखिकी आमको सेमती क्रीम नेबाक पड़े जोटार सेफ साइड थी आखि पाखरे आप लगे पार्थे तेणु जो भी जिनस मिलूँ ताकु लगेबे न पचारिकी आप जहाँ को भी कनसल्ट करूँ जन को कनसल्ट कर स्पेशलिस्ट नियंतु मार्केट में थी कौन जिन पिगमेंट रिमूवल नि सनस्क्रीन जमी यूज कर रेगुला यूज करूँ नि जो कलर कल करते बहुत बहुत धन्यवाद आशा करूँ नि मैडम जो कथा कहले जदि भी आप सारों कि चाहूँगी केमती भल हम अननेसेसरली मार्केट रू कौन भी प्रडक्ट आनी यूज करूँ ना जमती कहते मैडम जे डाक्तर परामर्श निंतु आम सब ये कथा कही आसीचु जेको रोग हो कहीं डाक्तर परामर्श ना निहती जरूरी मैडम आम स्वेटिंग कथा कथा होते विशेषकर झाड़ बाहर नर्माली आम समस्त जानते खरा दिन स्किन रू जब झाड़ बाहर कहते झाड़ बाहर भल जदि स्किन जहाँ मानने थाए खराब जिन सब झाड़ आकार बाहरी जाए तो झाड़ बाहर के भल अधिक झाड़ बाहर ये स्किन खराब ना नहीं किसी असुविधा ना सेमती
ଝାଳ ବାହାରିବାଟା ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆମ ଦେହରୁ କିଛି ଟକ୍ସିନ୍ସ ବାହାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଝାଳ ନ ବାହାରିବାଟା ଜମାରୁ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିଟ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ହୁଏ ସ୍କିନ୍ରେ, ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘିମିରି ହେଲା, କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ବି ଅସୁବିଧା ହେବ, ପିମ୍ପଲ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଝାଳ ବାହାରି ଯିବାଟା ଭଲ, କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର କାମ ହେଉଛି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ବା ପାଣି ଲସ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ରିପ୍ଲେନିଶ୍ କରିବା। ସେତିକି ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କଲେ ନିଜକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଲ୍ଟି ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାମ୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କିଏ କହୁଥିଲେ, କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ମ୍ୟାମ୍, ହେଉଛି ମୁହଁରେ ମାନେ କଳା କଳା ଦାଗ ଗୁଡାକ ପୁରା ମାନେ ମୁହଁରେ ପୁରା ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି କହିପାରିବେ? ମୁହଁରେ କଳା ଦାଗ ବହୁତ କାରଣରୁ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଜଣେ ଏବେ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଥାଇରଏଡ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ବର୍ଥ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହର୍ମୋନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆମର ଜେନେରାଲି ଆପଣଙ୍କର ଆମ କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ ମେଲ୍ ହଉ ଫିମେଲ୍ ହଉ, ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଆମେ ମେଲାଜମା ବୋଲି ସେଇଟା କହିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଚିକ୍ ବୋନ୍ସ ଉପରେ ନାକର ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଗାଲର ଉପର ଭାଗରେ କଳା କଳା ଛାପ ଛାପ ଆପଣ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ, ଟିକେ ବୟସ ହେଲା ପରେ ବା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଚାଇଲ୍ଡ ବର୍ଥ ପରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏଇଟା ଡେଭଲପ୍ କରେ। ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଖରାର ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ଫୋରହେଡ଼୍ରେ ହେଲା, ଗାଲରେ ହେଲା, କଳା ଦାଗ ପଡ଼ିବାର ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ କମନ୍ ଜିନିଷ ମେଲାଜମାଟା, ତା'ର ଟ୍ରିଟେବଲ୍ ସେଇଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନିହାତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିଲି, ଆପଣ ଯଦି ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ମୁହଁରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁ କଲର୍ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ପ୍ରକାର କାରଣ ରହିଛି, ଯଦି ବି ଡାର୍କ ସ୍ପଟ୍ ୟା କିଛି ବି ସ୍କିନ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନିଅନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କିଛି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଆମେ କିଛି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ। ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର ନର୍ମାଲ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଛଡ଼ା, ଯେମିତି ଆମର ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଛଡ଼ା ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଥେରାପିଜ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଥେରାପିମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଏତେ ସେଫ୍ ନ ହେଇପାରେ। ଯେମିତି ଆପଣ ବହୁତ ଜଣ ହଳଦୀ ଲଗାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଲେମ୍ବୁ ରସ ଲଗାଇଲେ, ମହୁ ଲଗାଇଲେ, ଦହି ଲଗାଇଲେ, ବହୁତ ଜିନିଷ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସୁଟ୍ ନ କରିପାରେ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସନ୍ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବିଶେଷ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସହଜରେ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ଆମେ କେମିତି ଗୋରା ହେଇଯିବୁ, ଆମେ ଟିକେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବୁ, ସ୍ପଟ୍ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ଆପଣାଇବା ଚକ୍କରରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଘରେ ବିଶେଷ କରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେ ବେସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦହି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସୁଟ୍ ନ କରୁଛି ତାର ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘରୋଇ ଜିନିଷ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛନ୍ତି, ୟାର ସେତିକିଟା ନେଗେଟିଭିଟି ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ଆସେ ନା ନାହିଁ, ସେତେଟା ବି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନି? ଆଜ୍ଞା, ଏଗୁଡ଼ା ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପୁରୁଣା କାଳରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା ସେଇଟା ବୋଧେ ବେଶୀ ପିଓର ଫର୍ମର ଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ବେସନ ବି କିଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛେ, ଆଜ୍ଞା, ତ ବହୁତ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ ବି ମିଶା ହେଉଛି, ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ସ ରହୁଛି, କେମିକାଲ୍ସ ଦେଇକି ତାକୁ ଡାଇଜ୍ ଦେଇକି କଲର୍ଫୁଲ୍ ବି କରାହେଉଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସେଇଟା ନ ବୁଝି ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ନ ୟୁଜ୍ କରି ଯେଉଁଟା ମିଳୁଛି ସେଇଟା ସହଜ ଉପାୟରେ ଲଗାଇଦେବା, ତେଣୁ ତାର ବେନିଫିଟ ଅପେକ୍ଷା ଆମକୁ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ତ ଏମିତି ବି ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ବଦଳେ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼େ ହେଇଯାଇପାରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କଲ୍ଟି ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଥିଲେ, କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇ ଯେ କଲର୍ ପାଖରେ ରମ୍ଭାର ମୁଁ କହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଡିରେ କାହିଁକି ଯେ ଲାଲ ଲାଲ ଭାତୁଡ଼ି ଜାଗା ଆସୁଛି, କଳା ଏଇ ଜାଗା ଆସୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ଖରାକୁ ଗଲେ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି, ଏଇଆ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ଏ ଛୋଟ 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 ପେଟରେ, ପିଠିରେ, ଆଚ୍ଛା, ମୁହଁରେ ମତେ ଲାଲ ଲାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଖରାକୁ ଗଲେ ରେଡ୍ ରେଡ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସ୍କିନ୍ରେ ଦେହରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱେଟିଂ ହୁଏ ଗରମକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଲର୍ଜି ଥାଏ, ତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆଲର୍ଜି ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟରୁ ଆଲର୍ଜି ହୁଏ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଲର୍ଜି ହୁଏ, ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱେଟିଂ ହେଲେ, ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କଲେ ବା ଗରମକୁ ଗଲେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଲର୍ଜି ହୁଏ, ତ ସେଥିରେ ହୁଏ ତ ତାଙ୍କର ଗରମ ଯୋଗୁଁ ସେ ରାସେସ୍ ବାହାରୁଥିବ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଣ୍ଟି ଆଲର୍ଜିକ୍ ନେଇପାରିବେ, ଟିକେ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗ ଡୋଜ୍ରେ ଆଣ୍ଟି ଆଲର୍ଜିକ୍ ନେଲେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗରମ ହେଲେ ଥଣ୍ଡାକୁ
जल्दी पळे आसिले धर बाहर आसिले आपण शावर नै गले गाधी पडले दिन को दिथर हुए तो जदी ठंडा रे गाधीले बा टिके एसी बा ठंडा जागा रे जदी रही पारले ताले टिके आपण बेटर हबो कने एगुडा फिजिकल अटिका रे आमे कहू जोटा आपण लाल लाल छोट छोटी फळी के कुंडे जदी हे जाउची लाल खरा को गले ताले सेगुडा पई आपण एंटी एलर्जिक्स नै परिबे निश्चय मैडम आपण जो कथा कहतले जो कॉलर फोन करतले तांको पई एक कथा मध्ये आपण कहतले किंतु मैडम आमे नॉर्मली जानिबा को मध्ये चाहिबा जे विशेष करि जदी आमे खरा को जाउछंती तापर आमे घर को फेरुछंती नॉर्मल आसले आमे सांगे सांगे माने मुहटा जतले गरम थाए आमे भाबंती पानी टा छाटी देले मोटा टिके ठीक लागियो ठंडा लागिबो से सांगे सांगे आसी हटात किना ठंडा पानी मुहरे पकेबा बरफ किमा के कोनो जिंस व्यवहार करबा ई स्किन पई किछि खराब प्रभाव पकाए स्किन उपर एवं एया मते जानिबा को चाहिम जति जने बाहर आसुछंती कोन सब करबा दरकार खरारु आसला परे घरे आज्ञा आपण जेतळे आसुचंती खरारु निहाती आपणकर जो मुहर बा स्किन रो टेम्परेचर बढी जायची ताकू जो ठंडा करिया पय आपण जदि मुह धोउचंती बा बाथ करुचंती ताले सेरा खराब नहे निश्चित भाबरे किन जोटा आपण कहले सेरा ठीक कथा आपण सांगे सांगे पूरा एकदम स्वेटिंग अवस्था रे एकदम निजर देहर बॉडी रो टेम्परेचर हटात किना भी चेंज करियाटा ठीक हबनी तण आपण धरो फैन तळे बसिले बा मुह को पोछी देले कि जो ओदा कोनारे पोछा पोछी हेले टिके परे आपण गाधेले बा मुह धोइले सेरा भलो आ अतिरिक्त ठंडा पानी जो बरफ बरफ देखि धोई पकेबे सेमती बे दरकार नै आपण नॉर्मल टैप वाटर नॉर्मल टेम्परेचर रे धुआ दिगंतु अच्छा निहांती मैम शेष प्रश्न आपण को रहिबो जेतु समय मो पाखरे कम अछि जे विशेष करी आम प्रोफेशन ने आमे मते मेकअप रे रहउछंती जे माने भी एबे मैरिज पार्टी हो किमा कोनोसी भी पार्टी को गले मेकअप रहउछंती तो मेकअप आम समस्या आनछंती केमिकल यूज करा जे स्किन पई भी बहुत ही खराब नो ताको सेथु निजो प्रोटेक्ट करबा पई कोन करबा दरकार मेकअप रिमूव केमती करबा दरकार एवं रिमूव परे स्किन को केमती रेस्ट दबा दरकार आज्ञा स्पेशली जेहेतु आपण टॉपिकटा खरा दिने अछि तेणु आप चेष्टा करेंगे जमी आप जो फाउंडेशन घर का है जोड़ा कि आपंकर पूरा जो स्वेट पोर्स गुड़ाक आप मुहर जो छोट छोट कणा अच्छे जो पटे झाड़ जाऊँच आपंकर जिनसा पूरा ब्लॉक कला भाया अतिरिक्त मोटा मेकअप लगे जदि लगे पड़ू ताकूर आजिकल तो बहुत प्रकार जो टीश्यूज मिलू व्वेट टीश्यूज मिलू से आपर पोछी दे आपर जमी खाली पानी आप स्प्लाश करके धोईदे आ सब एसेनसील हूँ रात शोला बेलू मेकअप काढ़ला परे मॉइस्चराइजर निहति मारिबे निश्चय आपण गोटे भलो मॉइस्चराइजर मेडिकल इयर जति आपण का पचार नै पारिबे ताले आहुरी भलो हबो निश्चय मारिबे सेटा बहुत भलो रहइबो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम बहुत भल लगे आप बहुत भल आडभस दे आशा करूँ जो कलर भी आमको कल करते से उत्तर पाई बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आप समय बाहर कर थैंक यू सो मच तेज निहत भाव दर्शक बंधु आज आम जो टॉपिक को नहीं आलोचना करुले विशेषकर खरा दिन आप स्किन केमती केयार ना आशा करुँ अध घंटा एपिसोड में आपने किसी कथ बुझी सारी स्किन को नहीं आपण मन में जहाँ भी प्रश्न रही है मैडम बहुत भल भाव में बुझाते तेज आशा करुँ आज एपिसोड आप समस्त को बेस पसंद आसीब आगामी एपिसोड में पुणी जो अभिज्ञ डाक्टर सहित देखा हेब से पर्यटन मत विदाय दिंतु नमस्कार।